सर अगर बच्चे गलती करते हैं तो क्या हमें उनको डांटना चाहिए, पनिश करना चाहिए? तो सर ने बोला, बच्चे कभी गलती नहीं करते, स्टूपिड लेडी बैठ जाओ। बचपन में जब मैं माँ के घर में भी थी ना, तो जब छोटी थी तभी भी, जब भी बिल्डिंग में सब बच्चे, छोटे छोटे बच्चे होते थे और उनकी माएँ उन पर गुस्सा करती थी, तो मुझे बड़ी तकलीफ़ होती थी। मालूम नहीं क्यों कि कोई बच्चे को डांटता था तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। शादी के बाद जब मेरे खुद के बच्चे हुए और मैं जब भी उनसे गुस्सा नहीं करती या ना, मतलब डांटती नहीं थी, तो घर में कभी कभी कोई मुझे ऐसा सुनने को मिलता था कि शीला अपने बच्चे को कुछ नहीं बोलती है। तो कभी बच्चों, मतलब उन बड़ों के डर से कभी कभी बच्चों को डांट देती थी और दुख मुझे होता था कि मैंने क्यों डांटा। मुझे रोना भी आ जाता था और मैं अपने बच्चों से माफ़ी भी मांगती थी कि मैंने, मुझे नहीं डांटना चाहिए, पर मैं क्या करूं अभी ये लोग बोलते तो मुझे। तो बच्चे भी इतने समझदार थे कि नहीं मम्मा, हम लोग ने गलत किया तभी तो आपने डांटा ना। तो ये मेरे को प्रश्न हमेशा रहता था। तो जब पत्री सर को मुलाकात हुई और सर ने जब भी प्रश्न उठाने को बोला कि आपका कोई प्रश्न है तो बताइए, तो मेरे दिमाग में ये बरसों से घूम रहा था कि बच्चे को डांटना चाहिए कि नहीं डांटना चाहिए। तो मैंने सर से पूछा कि सर अगर बच्चे गलती करते हैं तो क्या हमें उनको डांटना चाहिए, पनिश करना चाहिए? तो सर ने बोला, बच्चे कभी गलती नहीं करते, स्टूपिड लेडी बैठ जाओ। मतलब इतना मुझे सुकून मिला, ये सब लोग देखने वाले को शायद लगा होगा कि इन्होंने कितना हार्शली जवाब दिया, पर मेरे को इतना सुकून हुआ कि सच्ची मेरी जो समझ थी कि बच्चे कभी गलती नहीं करते, तो ये मुझे, मेरा समाधान हो गया।